वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा जो वर्कशीट नंबर 7 भेजी गई है इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 8th के लिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ करूँगा। डेट है 9th ऑफ अगस्त 2021। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रीवियस वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 6, 5 एंड 6 जो दोनों हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं आज की वर्कशीट नंबर 7 से। तो प्रीवियस वर्कशीट जिन्होंने नहीं देखी है तो वर्कशीट के नाम से, एक DOE वर्कशीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ से जा करके प्रीवियस वर्कशीट है जो वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं अगर किसी की रह गई है तो। तो एडजेक्टिव्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं जिनको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या उनकी कोई क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हम प्रीवियस जो वर्कशीट है उनमें भी हमने चेंज करी थी, तो आज एक और तरीके से हम जो है इनको चेंज करना सीखेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इररेगुलरली, कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं उनको जब कंपेरिजन किया जाता है तो इररेगुलर फॉर्म में होते हैं। डू नॉट फॉलो एनी रूल, और उनका कोई रूल नहीं है। तो आज जो देखने वाले हैं हम, उनका कोई रूल ही नहीं है, उनको एज इट इज़ बस हमें याद करना है। सो वी रिमेंबर दे आर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, कि एक तरह से उनका रूल नहीं है, डायरेक्ट हमको बस उन्हें याद ही करना होगा कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में। तो कंपेरेटिव डिग्री हम दो के लिए यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री दो से ज़्यादा की जब बात आए तो, जब हमें जो कंपेरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है इनका यूज़ दो, कंपेरेटिव डिग्री का दो के लिए और सुपरलेटिव का दो से अधिक के लिए किया जाता है। जब नाउन या दो, नाउन या प्रोनाउन एक दो से अधिक हो तब सुपरलेटिव, और जब दो हो तब कंपेरेटिव, और अकेला हो तो पॉजिटिव डिग्री। कैसे याद करना है इनको, सिंपल आपको गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि जो गुड पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव बेटर हो गई और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव। ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में पूरी कंप्लीट एज इट इज़ बनानी है। वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, यानी कि डिस्टेंस के लिए जब हम यूज़ करते हैं, फार्दर, फारदेस्ट, फार यानी कि एक्सटेंट के लिए, तो फर्दर, फर्देस्ट यानी कि आगे के लिए, मैनी नंबर के लिए जब यूज़ करेंगे मैनी, मोर, मोस्ट, जब क्वांटिटी के लिए बात करेंगे मात्रा के लिए तो मच, मोर, मोस्ट, और लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है, या लास्ट। ये हमारी टेबल हो गई, आपको याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि एज इट इज़ इनका कोई रूल नहीं है, मैंने आपको पहले ही लिखाया था। ये देखो, डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। तो देखिए, आज जो एक्सरसाइज दी गई है इनको हमें यूज़ करते हुए फिल करना है। हुएवर हैज़ मोस्ट, तो फर्स्ट में आएगा हुएवर हैज़ द मोस्ट पॉइंट्स इज़ द विनर, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो विनर होगा, ठीक है, मोस्ट, क्योंकि हमने दो से अधिक के बारे में बात करें ना, हुएवर में तो बहुत सारे हो सकते हैं। योर हाउस इज़ फार्दर, फार्दर, ये मेरा आपका जो घर है वो मेरे घर से दूर है। जहाँ भी आपको देन दिखे, देन, तो आप जो है कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। रीना इज़ द बेस्ट डांसर इन द क्लास, की जो रीना है वो पूरी क्लास में सबसे अच्छी डांसर है। अब देखो, रीना पूरी क्लास में, तो पूरी क्लास की बात करी ना हमने, तो पूरी क्लास में सबसे अच्छी, तो बा द बेस्ट। You should sleep more than you sleep these days, कि तुम्हें थोड़ा अधिक सोना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए जितना तुम आजकल सोते हो। मोर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया ना, कंपेरेटिव डिग्री जहाँ भी देन दिखेगा वहाँ हमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। द स्टॉर्म वाज द वर्स्ट, ये आएगा ये वाला, वर्स्ट इन द हिस्ट्री, कि जो तूफान था वो अब तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। आई हैव लेस इंटरेस्ट, मुझे
कम इंटरेस्ट है इन सिंगिंग सिंगिंग में देन इन डांसिंग डांसिंग की बजाय, ठीक है। आई रन फार यस्टरडे कि कल मैं दूर तक दौड़ा, बट आई रैन इवन फार इवन फर्दर फार्देस्ट टुडे कि बट आज तो मैं कल से भी ज़्यादा दौड़ा, फर्दर आएगा सॉरी, कंपेयर कर रहे हैं ना फर्दर टुडे, ये कल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप कि ये पूरी शॉप में सबसे कम एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर है देखिए, फर्दर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। तो ये आज हमने वर्कशीट का सॉल्यूशन हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।